हाँ, तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं चेल्सी 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 फुटबॉल क्लब के बारे में, और उसके बारे में मेरा क्या सोचना है और किस तरीके से उनका ये वाला सीजन गया। तो बेसिकली चैंपियंस लीग फाइनल है और उसमें है वो मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच है, और बेसिकली अगर चेल्सी जीत जाती है, जो हमको लगता है 1 out of 10, मतलब रियलिस्टिकली बोल रहे हैं कि 1 out of 10 हमको ऐसा लगता है, क्योंकि वही प्रॉब्लम जो पूरे सीजन में चेल्सी के साथ है वो वाले मैच में भी होगी बेसिकली, क्योंकि नए कोई प्लेयर्स लाए नहीं है और जादू से एक तरीके से प्लेयर्स को चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस सीजन में पहला बात की फ्रैंक लैम्पार्ड को क्यों हरा, मतलब हटा दिया, आई डोंट नो, क्योंकि उसको और कुछ समय देना चाहिए हमको ऐसा लगता है, लेकिन नहीं दिया। और टॉमस टुकल आ गया, क्योंकि उसको मतलब पीएसजी ने उसको हटा दिया था बेसिकली। तो मतलब एक अच्छे मैनेजर के साथ चेल्सी है और एक अच्छा टीम है, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है, जो टीमो वर्नर मतलब बुंदसलीगा से आया था और बेसिकली काफी ठीक ठाक पैसे और सैलरी के साथ आया था, चेल्सी ने उसको खरीदा था, और चेल्सी सोच रहा होगा कि मतलब चेल्सी इज नॉट अ मैन, इट्स अ फुटबॉल क्लब। तो चेल्सी इसी वजह से वर्नर को खरीदा था, क्योंकि मतलब वो फॉरवर्ड की कमी है और वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब चैंपियंस लीग अगर चेल्सी जीत जाती है, तो मेरे लिहाज से कोई भी उसका प्रॉब्लम हो, वो अगले सीजन में एक मतलब कोई अच्छे सेंटर फॉरवर्ड को खरीद कर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। चेल्सी के पास हमको ऐसा लगता है कि अभी एक ही प्रॉब्लम है कि गोल नहीं मार पाता है वो, मतलब फॉरवर्ड्स हैं उनके टीम में लेकिन दे आर नॉट परफॉर्मिंग, और बहुत दिन से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली कुछ प्लेयर का चेंजिंग या मतलब कोई नया सेंटर फॉरवर्ड अच्छा लाया जाए, जिस वजह से जेरू ने बहुत कुछ दिनों तक मतलब कुछ ठीक ठाक परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद से फिर गोलो कांते काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस वजह से वो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चैंपियंस लीग में है, उसी की वजह से काफी अच्छा परफॉर्म किया है कांते ने। और यही मतलब जब चेल्सी के बारे में हम सोच रहे हैं ना, तो मतलब अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड एक गोल पहले मार देती है चेल्सी से फाइनल में, तो मतलब चेल्सी रिकवर नहीं कर पाएगी। चेल्सी को उस मैच में, मैं सिर्फ चैंपियंस लीग फाइनल के बारे में इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि टॉमस टुकल के पास अभी मेरे ख्याल से एक और सीजन इब्राहिमोविच देगा, जो चेल्सी का ओनर है, क्योंकि अच्छा परफॉर्म किया है टुकल ने और टीम ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और आप कह सकते हैं कि चैंपियंस लीग में अगले साल है वो, टॉप 4 में चेल्सी आ चुकी है बेसिकली, क्या पता इट्स अ मिरेकल लास्ट दिन में हुआ। लेस्टर सिटी पूरे साल आपको टॉप 4 में थी और हार गई इस वजह से टॉप 4 में, लेकिन तभी लिवरपूल भी एक तरीके से मिरेकल से आई। तो चेल्सी टॉप 4 में है अगले साल के लिए, तो टुकल के पास मतलब एक प्रॉब्लम नहीं है कि अगले साल वो चैंपियंस लीग में नहीं है और ये वाला फाइनल उसको जीतना ही होगा चैंपियंस लीग में रहने के लिए ये भी। लेकिन उसको एक तरीके से बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आना चाहिए कि ये वाला मैच में हमको गोल करना है, और डिफेंडिंग और मिडफील्डर्स काफी अच्छे हैं, पुलिसिक भी एक तरीके से फॉरवर्ड का काम कर सकता है और बेसिकली गोल मार सकता है, और उसने काफी गोल मारे भी हैं, लेकिन जब वक्त पड़ा है चेल्सी जब डाउन रही है चेल्सी, तो कोई भी ऐसा प्लेयर हमको नहीं लग रहा है टीम में प्रेशर के सिचुएशन में, खास करके चैंपियंस लीग जैसे, जो परफॉर्म करेगा। तो अगर चेल्सी मैच जीतती है चैंपियंस लीग, तो इट्स लाइक वेरी गुड सीजन फॉर चेल्सी, और अगर नहीं जीतती है तो इट्स ओके सीजन, क्योंकि चेल्सी इट्स नॉट अ स्मॉल क्लब एंड चेल्सी इज चेल्सी।